हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे BPCG 173 साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। आज हम इस बुक के क्वेश्चन आंसर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको, मैं पहले बता देती हूँ, अगर आपको ये PDF चाहिए क्वेश्चन आंसर्स का तो वो आप परचेज कर सकते हैं। आपको बस हमारे क्वेरी ग्रुप में जाके मैसेज करना एंड वहाँ पर हम आपको प्राइस वगैरह बता देंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज BPCG 173 बुक के बारे में, जिसका पेपर आपका होने वाला है। तो सबसे पहले जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए आपका पेपर कितने मार्क्स का, कितने टाइम का और कितने क्वेश्चंस वगैरह आपको करने होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो ये कि जो आपका टाइम आपको जो दिया जाएगा वो 3 घंटे का दिया जाएगा। आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद आपको ना 2 सेक्शन में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दिखेगा, सेक्शन ए एंड बी। दोनों सेक्शन में से ना आपको 2 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं और एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा, 5th। वो आपके ऊपर चॉइस होगी कि आप ए में से करना चाहते हो या बी में से करना चाहते हो, ठीक है। दोनों सेक्शन में आपको 4-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड उसमें आपको एक शॉर्ट नोट भी देखने को मिलेगा। और आपके जो आंसर की लिमिट होनी चाहिए 400 ही होनी चाहिए। आपके टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं तो 5 क्वेश्चन आपके 20-20 मार्क्स के रहेंगे और उसमें जो 20 मार्क्स का रहेगा तो इसलिए आपको 400 वर्ड्स में आपका आंसर होना चाहिए। मतलब ये सोच लो, 3 या 4 पेज तो एटलीस्ट होने ही होने चाहिए। अगर आप इसको बढ़ा के लिख सकते हो तो 4 पेज आप कवर कर लो, वरना अगर आपसे ये होता है कि नहीं, इससे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो 3 पेज में भी आप इसको कवर कर सकते हो। ओके, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, डिस्क्राइब द मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। जो ये वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वेलबींग का वो आपको एक्सप्लेन करना है एंड उसके बाद जो आपका मॉडल दिया हुआ है मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एक बार पहले भी रिपीट हो चुका है, बट उसमें एक छोटा सा डिफरेंस था, वो ये था कि जो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग है इसके जगह आपका आया था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो मीन्स यहाँ पे ये बात ये आती है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, इन दोनों में से आपका कोई भी एक चीज़ तो पूछ ही लेगा कि आप हेल्थ के बारे में एक्सप्लेन करें या फिर वेलबींग के बारे में एक्सप्लेन करें। जैसे कि आप बुक का नाम भी आप देख सकते हैं कि इसमें साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेलबींग है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में से किसी एक के बारे में तो वो पूछ ही लेगा। तो आप वो कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लेना। एंड जो आपका सेकेंड यूनिट है मॉडल, उन 5 या 6 जितने भी मॉडल्स हैं उनमें से एक मॉडल तो कंफर्म है कि वो मॉडल आपसे पूछा ही जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल मॉडल ही आए, बट मेडिकल मॉडल आपका 2 बार आ चुका है क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको टिक किया है। बट जो बाकी के जो मॉडल्स हैं उनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि मॉडल कोई ना कोई एक ज़रूर आएगा, ठीक है। 2 भी पूछ लेंगे बट एक आपका कंफर्म है कि वो आएगा ही आएगा, तो कोई सा भी आ सकता है, तो वो आप ज़रूर कर लेना। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि वेलबींग का क्या है कि हम जब एक अच्छे स्टेट पे होते हैं, जहाँ पे मतलब ये है कि हमें किसी, मतलब हम खुद से सेटिस्फाइड है, हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉर्ट आउट है, हम खुश हैं और जो भी हमें चाहिए वो सब चीज़ें हमारे पास है, तो आप मतलब ओवरऑल ये है कि आप लाइफ से सेटिस्फाइड हो, तो आप मतलब खुश हो। बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके, जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते फिर भी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें जो बेसिक नीड्स चाहिए होती है, जो उनको पूरा करता है, वो उनके पास होता है एंड उससे वो खुश हो जाते हैं एंड वो अपने आप को ना इतना लकी फील करते हैं कि हाँ, हमारे पास सब कुछ है एंड हम बहुत खुश हैं, तो वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं। तो वैसे ही वेलबींग के 2 अप्रोचेस हैं। पहला जो है वो ये है कि हम अपना फोकस जो है ना वो हैप्पीनेस पे देते हैं, मतलब खुश होने के लिए पॉजिटिव इमोशंस रखते हैं, लाइफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए।
दूसरा अप्रोच होता है कि हमें जो भी हमारे फंक्शंस एंड डेवलपमेंट है साइकोलॉजी के, वो एक पॉजिटिव एंड इफेक्टिव होने चाहिए। क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों जो अप्रोचेस है, अगर ये दोनों हैं तो मतलब हमारी जो वेलबींग है, मतलब जो हम लाइफ से जो चीज़ चाहते हैं, या फिर आप बोलो कि वेलबींग को डिफाइन कर सकता है, ये दोनों अप्रोचेस उसको डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में आप खुश हैं, पॉजिटिव हैं, लाइफ से सेटिस्फाइड है, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ रही है, साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें पॉजिटिव है। तो आप वेलबींग को आप डिफाइन कर सकते हो और बोल भी सकते हो कि हाँ मैं खुश हूँ और मैं हैप्पी हूँ, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। तो यहाँ पे ना वेलबींग इज़ मोर देन जस्ट हैप्पीनेस, इट इज़ फीलिंग सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। तो वेलबींग क्या है, सबसे ज़्यादा हमारी हैप्पीनेस को डिफाइन करता है। और हम जब खुश होते हैं या फिर जब हमारी फीलिंग होती है वो सेटिस्फाइड की और हैप्पी वाली होती है, तो हम बोल देते कि एक्चुअल में हम खुश हैं, ठीक है। तो वेलबींग को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्टिव एंड एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव में आप लाइफ को सेटिस्फेक्शन के इंटररिलेट करते हो, प्लेसेंट इफेक्ट करते हो, अनप्लेसेंट इफेक्ट करते हो। इफेक्ट रेफर करते हैं हमारे प्लेसेंट और अनप्लेसेंट पे, कि हम खुश हैं नहीं हैं, हमारे मूड्स कैसे हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं। और लाइफ सेटिस्फेक्शन हमारा रेफर करता है कि आपका जो लाइफ से रिलेटेड, आपके लाइफ के साथ आप सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, आपके सारे मतलब आप लाइफ को लेके जो आप जी रहे हो उसको लेके आप खुश हो नहीं हो, आपके सारे फंक्शंस अच्छे से, जैसे कॉग्निटिव्स हो गए, जो बाहर की दुनिया में जो हम यूज़ करते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करने के, काम करने के, ऑफिस में जाने के काम के, या फिर घर पे रहने के, वो सारे कैसे होते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव वेलबींग हमारा ऑब्जर्व करता है सेल्फ रिपोर्ट को एज वेल, हमारी जो स्टडी जो हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, जैसे कि हम किस तरीके से अपने आप को रेट दे सकते हैं, कि हमारी लाइफ जो चल रही है एक्चुअल में उसको हम कितना रेट दे सकते हैं, हमें जो चीज़ें चाहिए उससे लेके हम सेटिस्फाइड है नहीं है, तो वो एक ऑब्जेक्टिव वेलबींग होता है, जिसमें हम सेल्फ रिपोर्ट बनाते हैं, खुद से रिपोर्ट बनाते हैं कि हमारी जो लाइफ चल रही है वो कैसे चल रही है, उससे हम सेटिस्फाइड है नहीं है, उसे कितना रेट दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो। तो दो टाइप के आपके वेलबींग होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके साथ कुछ कैटेगरी भी होती है, जैसे इमोशनल, फिजिकल, सोशल, वर्क प्लेस एंड सोशियोटिकल, ओके। उसके बाद हमारा जो अगला आता है वो है मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। जो ये अब ये मॉडल जो है वो ये डिफाइन, ये वाला मॉडल आपको बायोमेडिकल मॉडल के टर्म से भी डिफाइन किया जाता है, जिससे हमें ग्रीक वर्ड में जो, अगर हम पहले की बात करें तो बायोस मीन्स आपकी लाइफ होता है, एंड उसके बाद जो आपका जो मेडिकल्स आता है वो मतलब ये होता है कि आपका मेडिकल प्रोफेशनल में सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया जाता है, फिजिकल एंड उसके डिसीज पे। जब आप फिजिकली आप फिट फॉर हो नहीं हो, क्योंकि फिजिकल फिटनेस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि अगर आप फिजिकल फिट नहीं होते हो तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हो, बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, जैसे हम अनहेल्दी खाना खाते रहते हैं तो उस वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, अंदर ही अंदर हमारे हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं वो डेवलप होने लग जाती हैं, एंड उसके वजह से फिर हम कोई भी ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जो हम नहीं कर पाते, क्योंकि फिर हम फिज़िकल फिट नहीं होते तो फिर हम इमोशनल डिप्रेस भी हो जाते हैं, हमारी फीलिंग सेटिस्फेक्शन वाली नहीं रहती है, लाइफ को लेके हमारे लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो हम उसमें क्या है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसी मॉडल को समझने के लिए कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ढूंढे गए हैं, अलग अलग चीज़ों में बताए गए हैं। तो फर्स्ट जो है वो है आपका कॉज ऑफ डिसीज, जिसमें हमारी जो वायरस, बैक्टीरिया, जो ये अलग अलग जो ये प्रॉब्लम्स होती है ना, इन प्रॉब्लम्स को हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, इनके ऊपर हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ें हमारे लिए
मतलब हमें बताए जाते हैं कि वायरस जो बैक्टीरिया ये जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं इनके वजह से हम अपनी लाइफ को ना खुल के इंजॉय नहीं कर पाते हैं, फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, और जो हमारा मेन गोल हम सेट करते हैं अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि जो एक कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, एक फोकस होता है, वो हमारा ना कहीं वो डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि आप कितना भी मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फोकस होते हैं अपने गोल्स को लेके, उनके साथ चाहे कुछ भी होता रहे बट वो काफ़ी बार वो हो ही जाता है कि उसका ध्यान हट ही जाता है। क्योंकि जब तक फिज़िकल फिटनेस आपके अंदर नहीं होते हैं, जो प्रॉब्लम तो शुरू में आपने देखा नहीं हुआ, सेकेंड टाइम फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे होता रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीज हो गया हमारा, ट्रीटमेंट हो गया, ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है। और इसके मॉडल के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि ये सारे जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट्स जो भी हमें फोकस करना चाहिए वो हमारे माइंड और बॉडी से रिलेटेड होते हैं, हमें इग्नोर करना चाहिए कोई भी अगर ऐसे फैक्टर्स हो रहे हैं जो हमें प्रॉब्लम फेस दे रहे हैं, जैसे सोशल इमोशनल स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल, ऐसे जो भी फैक्टर्स होते हैं उनके हमें जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करा रहे हैं तो उनको हमें जितना हो सके उनको अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज ये है कि हमेशा ये है कि इफ़ेक्टिव तरीके से हमें ट्रीटमेंट करवाना ही करवाना चाहिए, ये नहीं कि आप उसको अवॉइड करो, नहीं करवाना है, वो चीज़ गलत होती है। और फिर उसके बाद क्या है ना कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट भी हमें ऑफ़र करते हैं कि जो कि वो एक इंटरपर्सनल प्रोफेशनल केयर की वजह से होता है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो हमारे फीस के जो हमारा बजट होता है ना, लाइक कि हम इस ट्रीटमेंट में इतने फीस लगा सकते हैं बट वो उससे ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से काफ़ी बार हमें ना ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं। और सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम तो यही होती है कि काफ़ी लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं इसके लिए। तो इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी आज के टाइम पे तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत अच्छे से इलाज हो जाता है हर एक चीज़ का, तो अब तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो अच्छे से कराए जा सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड माइंडफुलनेस फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। अब मैं इसमें बता देती हूँ कि जो ये दोनों पॉइंट हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक एंड माइंडफुलनेस, ये दोनों पॉइंट आपके शॉर्ट नोट में आ चुके हैं, तो ये चांसेस होते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे, जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बता रही हूँ वो आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ का कंफर्मेशन है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन में जो मैं आपको जैसे अपनी लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिखा रही हूँ वो शॉर्ट नोट में आते हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन देखा है शॉर्ट नोट में, रिलैक्सेशन टेक्निक को डिफाइन शॉर्ट नोट में डिफाइन करना है, और माइंडफुलनेस को भी मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन भी आया हुआ है शॉर्ट नोट में, ठीक है। तो जो रिलैक्सेशन टेक्निक है, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। रिलैक्सेशन जो टेक्निक होता है वो हमारी हेल्प करता है कि हमें जो हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस से बाहर आने के लिए हमें हमारी हेल्प करता है, उसको कम करने में हमारी हेल्प करता है। काफ़ी बार ये होता है कि हमें ना बहुत सारी एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से फिर हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता है, हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। ये वाली जो टेक्निक है ये हमारी बॉडी को रिलैक्स देती है, ये हमें टाइम टू टाइम हमें ना प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। इसमें क्या होता है ना कि ये प्रैक्टिस हमें उस जगह पे करनी है जहाँ पे हम कंफर्टेबल फील करते हैं, कोई भी हमें डिस्ट्रेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी हमें उस चीज़ से हटा नहीं सकता, लाइक हमारा ध्यान जो होता है वो एक जगह पर होना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें जो भी हमारे अंदर चल रहा है उसको हटा के हमें उस चीज़ पे फोकस करना है जो आपके ऊपर लाइक आपको खुशी दे रही हो, आपका एक कोई भी हम ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें मतलब खुशी दे रहा हो, वो वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। और जब ये हम टेक्निक यूज़ करें, कोई भी ड्रग्स मेडिसिन वगैरह हमें नहीं लेनी चाहिए, अगर आपको कोई इंजरी हुई है या फिर आप कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसे चीज़ है जो आप नहीं कर सकते, तो वो चीज़ आपको डॉक्टर से कंसर्न करने के बाद आपको ये टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। और ऐसे टाइम पे अगर कोई बैक पेन या फिर फ्रैक्चर या कुछ भी इंजरी हो रही है तो उसके रिलेटेड भी आपको डॉक्टर से कंसर्न करने के बाद ही आपको इस टेक्निक को करना चाहिए।
ओके, ये होती है रिलैक्सेशन टेक्निक। माइंडफुलनेस डिनोट करता है हमारी अवेयरनेस, जो हमारी थिंकिंग है, फीलिंग है, फिजिकल सेंसेशन हो गया, जो हमारी प्रेजेंट मोमेंट में चल रहे हो। माइंडफुलनेस हमारा इन्वॉल्व होता है, हमें अवेयर कराता है कि किस तरीके से हमें अपनी एक्टिविटीज़ पे फोकस करना चाहिए, किस तरीके से उस पे ध्यान देना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑब्जर्वेशन, कि हमें जो भी हम ऐसे सिचुएशन में या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस पर हमारा फुल ऑन फोकस होना चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड हम अपने थॉट्स, जो हमें नए नए आइडियाज़ लेके आने चाहिए, वो हमें जनरेट करने चाहिए, ताकि जो हमारा एक्टिविटी है उस टाइम पे, जो वर्क है, वो हमारा सबसे यूनिक हो और सबसे अच्छा हो। तो उसके लिए हमारा होता है, सबसे पहला चीज़ होता है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये हमारी बॉडी एंड माइंड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। और इसके वजह से क्या है कि जो भी अगर कोई हमारी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे इम्यून सिस्टम हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी डील करने में हमारी हेल्प करता है, स्ट्रेस को कम करता है, पॉजिटिव हेल्थ को एक इम्प्रूव करता है, और हमारा जो मेमोरी है, अटेंशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब चीज़ों में हमारी इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द टाइप्स, सिम्टम्स एंड मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस। तो हमें स्ट्रेस के टाइप बताने हैं, सिम्टम्स बताने हैं एंड मेजरमेंट बताने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट नोट में आ चुका है, जैसे कि आपसे ऐसे पूछ लेता है कि डिस्क्राइब मतलब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ऐसे पूछ लेगा, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस वाला क्वेश्चन तो पूछा गया है, और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस वाला ही पूछा गया है शॉर्ट नोट में। आपका मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस वाला आपका ना एक सेपरेट भी एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें आपके 4 पॉइंट्स आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। जो आपका ईयू स्ट्रेस होता है, वो आपका पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जो कि आपको, जो आपका स्ट्रेस है, जैसे एग्जाम का स्ट्रेस है, ये आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। न्यू स्ट्रेस हमारा ऐसा होता है जिसमें हमारा नेगेटिव, मतलब जिसमें हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता है, मतलब ना हमारे लिए हार्मफुल होता है, ना हमारे लिए वैसा होता है कि हमें डिस्ट्रैक्ट करे, तो वो नॉर्मल होता है। डिस्ट्रेस हमारा दो तरीके से होता है, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। जिसमें हमारा एक्यूट होता है कि हमें एक शॉर्ट टर्म के लिए हमारा स्ट्रेस आता है, लेकिन क्रॉनिक हमारा लॉन्ग टर्म पे हमारा इफ़ेक्ट करता है स्ट्रेस। हाइपर स्ट्रेस हमारा जो होता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजर स्ट्रेस होता है हमारे लिए, क्योंकि इसका जो हर स्ट्रेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस होता है। जैसे कोई ऐसा स्ट्रेस है जो आपके बॉडी को बहुत, मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, अंदर ही अंदर आपको बिल्कुल खाए जा रहा है, इतना गंदे वाला स्ट्रेस होता है, ठीक है। हाइपो स्ट्रेस हमारा ऐसा होता है जिसमें, मतलब एक अजीब सा होता है कि आपको है ना किसी चीज़ की ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। लाइक जैसे आप है ना ऑफिस वर्कर हो, ठीक है, आप कंपनी में जाते हो, तो फैक्ट्री या कंपनी या फैक्ट्री कहीं भी जाते हो, आप वहाँ जाके मतलब चैलेंजेस अनचैलेंजेस फेस कर रहे हो, जैसे कि आपको कोई टास्क नहीं दे रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको जो टास्क दिया जा रहा है वो सेम हो रहा है, बार बार ऐसे ही वही जाओ, वही काम करो, वही करो, फिर वापस आओ, फिर अगले दिन सेम रूटीन, फिर अगले दिन फिर सेम रूटीन, तो वो आपको ना बहुत इरीटेट करता है, तो वो एक हाइपो स्ट्रेस कहलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। हमारे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो हमारे बॉडी से ना बहुत सारे सिम्टम्स निकलते हैं, जैसे फिजिकली हमारे सिम्टम्स होते हैं, इमोशनल, बिहेवियर, साइकोलॉजिकली सिम्टम्स, ये 4 टाइप से हमारे सिम्टम्स बाहर निकल के आते हैं। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस, जिसमें हम 4 तरीके से मेज़र कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकली मेज़र कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हम कर सकते हैं, एंड चेकलिस्ट हम कर सकते हैं, कि जिस एक चेक लिस्ट बना लेते हैं, उसमें हम चेक करते रहते हैं कि किस तरीके से ये हमें मेज़र करना है, किस तरीके से टेस्ट करना है, कितना इसका वो पॉइंट आया है, किस तरीके से हमें फिर उस अगला मेज़रमेंट करना है, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं। इंटरव्यू सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, एंड इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, जो कि इसमें काफ़ी बार हमें ना, जो सामने वाला बंदा हमें कोई नॉलेज दे रहा है या अपने बारे में जो भी बातें बता रहा है, हम जेन्युइनली, हम गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि उसने सही बताया है गलत बताया है। तो ये 4 तरीके के आपके मेजरमेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा,
डिस्क्राइब द इलनेस रिलेटेड टू फूड डाइट एंड ओबेसिटी। अब फूड क्या है कि फूड से रिलेटेड ये हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बार हम जो खाना खा रहे होते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता है, और काफ़ी बार जो ऐसे चीज़ें होती हैं ना कि जो हम खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है अच्छे से, और उसकी वजह से बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो फूड एक रिलीवेंट इम्पैक्ट होता है जो डेली मतलब हम डे टू डे अपनी लाइफ में ये फील कर सकते हैं हमारी इसके वजह से, खाने की वजह से, क्योंकि खाना ऐसा होता है कि उसी की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, और अगर वो खाना अच्छा नहीं होता है तो उसी की वजह से हमारी जो एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके 5 कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल, ठीक है। उसके बाद डाइट होता है, तो डाइट हमारा क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ये होता है कि उसमें हमें क्या खाना चाहिए, तो उसी के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। उसके बारे में कुछ फैक्टर्स है जैसे इनबॉर्न एनवायरमेंटल, एबिलिटी टू मैनेज एंड कंट्रोल्स वन फूड्स बाइन एंड ईटिंग हैबिट्स, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डाइट को फॉलो करते हैं। डाइट हमारा रेगुलेशन में हेल्प करता है, किस चीज़ के रेगुलेशन में, हमारे वेट में, क्योंकि वेट को कंट्रोल करना भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि ओवर वेट हमारे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हमारा हेल्थ उस पे वेट पे भी डालता है, क्योंकि हेल्थ का स्टेटस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो ही आप अच्छे से काम कर पाते हो, आपका फोकस अच्छे से होता है। तो अनहेल्दी डाइट हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इवन कैंसर भी, ये भी हो सकता है, और भी बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम फेस करते हैं, जैसे किडनी प्रॉब्लम होना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे खाने की वजह से हो सकती है, तो डाइट हमें प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए। फिर आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी हमारा लिंक होता है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इलनेस में, जैसे सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनी रिलेटेड, ये सारे फिजियोलॉजिकली कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं। सेल्फ इस्टीम भी हमारा लो हो जाता है, स्ट्रेस भी हमारा बढ़ जाता है, एंग्जाइटी भी हम फील करते हैं। तो इसी वजह से डाइट जो हमारा डाइट है वो तो हमारा वेट को लॉस करने में हमारी हेल्प करता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसमें आप अगर डाइट फॉलो कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो तो उसमें ये होता है कि हमारा वेट तो कम हो जाता है, बट हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत बहुत अच्छे से चाहिए है, तभी हम अच्छे से हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी रहेगी, तो उसको कम नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज करें, डाइट फॉलो करें, बट अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर भी फोकस करें कि किन चीज़ों से हमें न्यूट्रिशन मिल सकती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द गोल ऑफ कॉपिंग एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इमोशन फोकस कॉपिंग एंड प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग। अब इसमें क्या है कि इसका एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन और इसके आपके बन सकते हैं, जिसमें आपको कॉपिंग डिफाइन कॉपिंग स्टाइल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इमोशन फोकस कॉपिंग एंड प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग, इसमें जो पूरा दो क्वेश्चन बनाया गया है इसको हम सेपरेट करके दो क्वेश्चन भी बना सकते हैं, तो ऐसा आपका शॉर्ट नोट में किया जा सकता है, और सेपरेट 20 मार्क्स के क्वेश्चन में भी किया जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो गोल ऑफ कॉपिंग का क्या है, कॉपिंग स्टाइल हमारा क्या है ना कि एक हमें हेल्प करता है कि हमें कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं कि हमें ना स्ट्रेटेजीज बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसमें क्या है ना कि इसका ये होता है कि ये हमें ये बताता है कि जो भी ऐसी कोई कंडीशन या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है जो हमें नेगेटिव है हमारे लिए, तो उसको हमें कैसे रिकवर करना है और उसको ख़त्म करना है, मतलब जो नेगेटिव प्रॉब्लम आई है उसको हमें कैसे सॉल्व करके उसको ख़त्म करना है, इसमें हमारी हेल्प करती है। ये हमें ना नेगेटिव सिचुएशन में किस तरीके से खुद को एडजस्ट करना है, खुद को कैपेबल बनाना है कि उस नेगेटिव प्रॉब्लम को हम अवॉइड करके पॉजिटिव चीज़ें करें, उस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। ये हमें मेंटेन कराता है कि अपनी सेल्फ इमेज को हमें मेंटेन करके रखना है, और हमारा जो इमोशनल बैलेंस होता है ना उसको हमें मेंटेन करके रखना है और पॉजिटिव वे में रखना है। ये हमें इंश्योर कराता है कि हमें जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको हमेशा हमें पॉजिटिव
में रखना है, नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना है। ओके, फिर उसके बाद आता है प्रॉब्लम एंड इमोशन फोकस कॉपिंग के बीच में डिफरेंशिएट। पहला आता है इमोशन फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। हमारा सबसे ज़्यादा इसका एम ये होता है कि जो भी आपके नेगेटिव स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई भी ऐसी चीज़ आती है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कंट्रोल करना है और कम करना है, इसमें हमारा फोकस कराता है इमोशन फोकस कॉपिंग। और प्रॉब्लम्स को, देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो है, ठीक, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बट उस टाइम पे एट दिस टाइम पे हमें, जैसे अभी प्रॉब्लम आ गया और अब इंस्टेंट तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा प्रॉब्लम का, बट उस टाइम पे हमें अपने खुद को मैनेज कैसे करना है, खुद के इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करना है, और उस प्रॉब्लम को उस टाइम पे सबसे पहले होता है कि हमें किस तरीके से अपने आप को, खुद को कंट्रोल करना है, तो उस चीज़ पे फोकस किया जाता है। उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, बट पहले खुद को मैनेज करना। उसके जो कि आप खुद को मैनेज कर लोगे तो आपके अंदर फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे सॉल्यूशन आने लग जाएंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले होता है कि आप खुद को नेगेटिव चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करो और उसको कम करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद होता है प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग। तो इसमें क्या है कि आपका जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है उसको कंट्रोल करके, आप कंट्रोल करने के बाद आप है ना जो इंफॉर्मेशंस है उसको इकट्ठा करना शुरू कर दो, ताकि जो सिचुएशन आई है उसको हम है ना दोनों उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसलिए आपको ना एक ये भी देखना पड़ेगा कि उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है उस प्रॉब्लम के। तो उनको देखने के बाद फिर आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि उसको आप है ना एक इफ़ेक्टिव तरीके से, क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाली नॉलेज और ये वाले जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, पॉइंट्स हैं, जो भी हैं उनको यूज़ करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये होती हैं हमारी इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिस्क्राइब द मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था ना ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें मैंने सिर्फ है ना आंसर जो है इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में लिखा है, बाकी जो आपका मॉडल के बारे में डिस्क्राइब करना था वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में डिस्क्राइब कर दिया, तो इसलिए मैंने इसमें स्किप किया है। तो इसमें सिर्फ मैंने इसका आंसर हेल्थ के ऊपर लिखा है। तो अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हमें पता है कि हेल्थ से रिलेटेड सबसे पहले तीन कंपोनेंट होते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, फीलिंग, सिम्टम एंड परफॉर्मेंस। हेल्थ जो है वो हमारी सब्जेक्टिव होती है, सोशल फैक्टर्स की वजह से और फैक्टर्स लाइक आपकी एज ग्रुप। जैसे पता ही है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी हेल्थ से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। जैसे अगर हमारे घर में दादा दादी है तो उनसे हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि हमारे दादा दादी को इस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, उनकी आइज वीक हो रही है, अच्छे से जो खाना खा सकते थे पहले वो अब नहीं खा पाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो भी उनकी एज ग्रुप में आके। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो चीज़ें कम हो जाती है, ओके। तो ऐसे ही बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड टर्म्स है, जैसे इलनेस, डिसीज एंड सिकनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स है। और भी जो दलाल एंड मिश्रा है उन्होंने भी तीन चीज़ों के ऊपर फोकस किया, रिस्टोरेशन, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ के ऊपर। तो ये सारे हमारे हेल्थ से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं। तो एक चीज़ और, जो भी क्वेश्चन के आंसर है, जैसे आप है ना जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, मतलब ये पूरी बुक ही है ना, आपसे ना एग्जांपल्स के थ्रू आप इनको ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन के थ्रू आपको बता रही हूँ ना, आंसर्स समझा रही हूँ, तो वैसे ही आप है ना जैसे डेफिनेशन वगैरह आपने लिख दिया आंसर में, फिर उसके बाद आप है ना कुछ उस आंसर को बढ़ाने के लिए आप है ना एग्जांपल्स ले सकते हो, और एग्जांपल्स आपको बहुत इजीली आपको पता चल सकते हैं या आप लिख भी सकते हो, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं या जो ये बुक है, जो इसमें पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहे हैं, वो सारे आपके लाइफ से रिलेटेड है।
तो आप है ना उनमें ये कर सकते हो कि आप उनमें ना अपने लाइफ से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस कर रहे हो लोगों को देख के आप बता सकते हो, या जैसे फैमिली से रिलेटेड, जैसे मैंने एज ग्रुप का भी दादा दादी का एग्जांपल लिया, तो वो एग्जांपल आप इसमें लिख भी सकते हो, एज ग्रुप का क्यों बढ़ जाती है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आती है, तो वैसे लिख के आप इन क्वेश्चंस को ना बढ़ा सकते हो और उनके पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो एग्जांपल्स ना सबसे बेस्ट होते हैं किसी भी क्वेश्चन को समझाने के लिए। फिर आपके जो टेस्ट चेक करने वाले होंगे उनको पता हो, उनको लगेगा कि आपने ये जेन्युइन अपनी मर्जी से लिखे हैं, जो कि आप लाइफ से रिलेटेड जो एग्जांपल्स लिखते हैं तो उनको लगता है कि आप है ना बाहर लोगों को ऑब्जर्व करते हो, उनको देखते हो, तब आप उनको समझा रहे हो, तो वो सबसे बेस्ट होते हैं। ओके, चूँकि मैंने भी ये पेपर दिया है तो ये मैंने भी ही ऐसे ही किया है और मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले हैं, तो इसलिए मैं आपको ये आइडिया बता रही हूँ। ओके, उसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अब ये जो है इसमें हमें बताना है कि स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद उसके सोर्सेज बताने हैं कि स्ट्रेस के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमें ना स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या मतलब है स्ट्रेस का, क्या है स्ट्रेस एक्चुअल में, वो बताना हमें। और ये वाला क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो, है ना। तो सबसे पहला जो स्ट्रेस है वो ये है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं जब हम स्ट्रेस को फील करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत तरीके से रिएक्ट करती है, कभी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ये सारे हमारे रिस्पॉन्सेज बाहर आते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं। कई बार हम दूसरों के ऊपर चिल्ला देते हैं, कई बार हम साइलेंटली चुपचाप जाके बैठ जाते हैं, कई बार हम खाना खाने लग जाते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा वॉक करने लग जाते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा रोना लग जाते हैं। तो ये सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं ये अलग अलग तरीके से, फिजिकली भी, मेंटली भी एंड इमोशनली भी। ठीक है, क्या है ना कि अगर इसकी डेफिनेशन आप देखो तो द बॉडी रिएक्शन टू अ चेंज दैट रिक्वायर्स अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एडजस्टमेंट और रिस्पॉन्स। ओके, तो स्ट्रेसर है ना बहुत सारे तरीके से आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, सोशल, स्कूल्स, वर्क, एनवायरमेंटल, क्योंकि आपके स्कूल में बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, टीचर्स को भी हो सकता है, ऑफिस में आपके मैनेजर ने आपको चला दिया या आपका काम अच्छे से नहीं हुआ, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इमोशनल लेबर, लाइफ इवेंट्स, लाइफ में जो डेली की बाहर दौड़ है, जाना आना, ट्रैफिक जाम्स, क्राउड, ये सब चीज़ों की वजह से, फिजिकल कंडीशन एंड रोल स्ट्रेसर, ये सारे के सारे हमारे ना लाइफ में, ये सारे पॉइंट्स हमारे बहुत सारे तरीके से हमें स्ट्रेस मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप है ना एक एक दो दो लाइन में डिफाइन कर सकते हो एंड आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप है ना डेली लाइफ में कोई ना कोई कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को फील करता है। ओके, फिर आता है हमारा सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। हमारे तीन सोर्सेज होते हैं स्ट्रेस के, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ मोटिव एंड प्रेशर। फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन ये है कि फिजिकली एंड सोशली आपके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है, कई बार हमारे पर्सनल लिमिटेशंस भी हो जाते हैं, बायोलॉजिकली कंडीशंस भी हो जाते हैं, कई बार हमारे साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, और इन सब की वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, जो कि हमारी जो नीड्स, मोटिव्स, एफर्ट्स होते हैं वो सारे हमारे वेस्ट हो जाते हैं जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की और वो हमें नहीं मिलती है उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, काफ़ी दिनों तक उस चीज़ को लेकर हम सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और कई बार ऐसे मोटिव्स होते हैं जो हमारे मतलब हमें जो चाहिए होते हैं, जो हमारे पास है उसके हमारे ना बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हमें दिखने लग जाते हैं, तो वो हमें ना जो हमारा मोटिव होता है कुछ भी होता है वो हमारा ना फेल हो जाता है, मतलब हमें अंदर से खुशी नहीं मिलती है उस काम को करने की। एफर्ट्स भी कई बार ये होता है कि सबसे ज़्यादा एफर्ट्स हम किस चीज़ में लगाते हैं, अपने करियर को सेट करने में ना,
गवर्नमेंट जॉब्स की आप बात कर सकते हो, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा हम उसमें एफर्ट्स डालते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड उसके बाद भी हम है ना फिर फेल हो जाते हैं, तो जो वो उसके बाद जो फ्रस्ट्रेट होता है ना इंसान, बहुत गंदा होता है। तो क्योंकि उसने इतनी मेहनत की, दिन रात इतने अच्छे से तैयारी की एंड उसके बाद उसका रिज़ल्ट बेकार आता है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। काफ़ी ऐसे होते हैं काफ़ी लोग तो जो बहुत लंबे टाइम तक होते हैं, तो ये चीज़ आप इनको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। चार तरीके से हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। पहला अप्रोच कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है कि हमारे जो भी गोल्स होते हैं वो हमें ना दोनों गोल्स, मतलब टू गोल्स होते हैं जो हमें ना दोनों पॉजिटिव है, कोई मतलब नहीं है हमें कि अगर हम इस वाले जॉब पे भी जाते हैं या उस वाले जॉब पे जाते हैं, दोनों हमारे लिए बेनिफिट है, तो हम कुछ भी चूज़ करेंगे, दोनों हमारे लिए अच्छे हैं। अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि दोनों गोल्स है और दोनों में नेगेटिव है, तो हमारा जो भी अगर हम इसको भी अवॉइड करेंगे तो दूसरे वाले को भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर हम दूसरे वाले को अवॉइड करके फर्स्ट वाले पे जाते हैं तो उसमें भी हमें नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी, तो दोनों में से कोई भी चूज़ करो, कन्फ्लिक्ट होना ही होना है, ठीक है। फिर आता है थर्ड अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट। अगर आपके पास दो गोल्स हैं, दोनों में क्या है ना कि दोनों गोल्स में से ना आपको ना एक तो चीज़ पॉजिटिव है आपके लिए लेकिन दूसरी आपकी नेगेटिव है, और आपको ना वो दोनों चीज़ें चाहिए। मतलब ये होता है कि हम अगर एक जॉब है, अगर हमें बाहर जाने का मौका मिलता है तो हम बाहर जाने की हमें खुशी होगी क्योंकि वहाँ से हमें बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी एंड एक रेपुटेशन भी अच्छी बन जाएगी, बट फैमिली से दूर जाने का एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए। तो वो एक होता है कि अच्छी चीज़ भी है बुरी चीज़ भी है, वो होता है। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट में क्या होगा ना कि आप है ना दोनों कितने भी गोल्स आपको मिल जाए सब में ना सेम चीज़ होगा कि आपको है ना इधर भी जाओगे उधर भी जाओगे कुछ भी करोगे ना, तो दोनों में आपको है ना एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर जैसे फर्स्ट वाला गोल अगर आपने चूज़ किया तो उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स मिलेंगे। सेकेंड वाला गोल भी अगर आप चूज़ करते तो उसमें भी आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। तो मतलब जितने भी गोल्स आपको मिलेंगे सब में एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, तो उससे आपके ना अंदर वो कन्फ्लिक्ट चलेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका प्रेशर। प्रेशर हमारे दो तरीके से होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब प्रेशर तो बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। एक्सटर्नल जो आपको बाहर से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, एनवायरमेंट से जो डिमांड्स होती हैं, एक्सेप्टेशंस होती हैं, वो जो मिलती हैं ना और फिर उनको अगर आप फुलफ़िल नहीं कर पाते या किसी ने आपके एक्सेप्टेशन या आपके डिमांड पूरी नहीं की है तो आप उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो रहे हो। इंटरनल प्रेशर वो होता है जो आप खुद पे अपने ऊपर डाल रहे हो या फिर जो आप खुद से एफर्ट्स डाल रहे हो और उसके बाद फिर आपका वो अच्छे से फुलफ़िल नहीं होता है तो फिर आप खुद को स्ट्रेस में फील करते हो। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सब्सटेंसेस यूज़। इसको एक्सप्लेन करने, अब सब्सटेंसेस यूज़ जो हमें सबसे अच्छे से पता है कि जिसमें हम अल्कोहल और ड्रग्स के बारे में डिफाइन कर सकते हैं, और ये वाला आई गेस आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो इसको 20 मार्क्स के क्वेश्चन में। इसको आप है ना जितना अच्छे से डिफाइन कर सकते हो ना, मुझे पता है बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, इसके इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स और इसके इतने सारे एग्जांपल्स हैं जो आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि अल्कोहल और ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके अंदर ना बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करा होती हैं, बायोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली कॉग्निटिव बिहेवियर, ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं जब आप ड्रग्स या अल्कोहल यूज़ करते हो। क्योंकि एक इंडिविजुअल जब ये चीज़ें स्टार्ट करता है ना तो आपकी फिजिकली डिपेंडेंसी और तो जाती ही जाती है, साथ के साथ ही आपकी साइकोलॉजिकली डिपेंडेंसी भी आपकी बेकार हो जाती है और आपको ना उसकी आदत लग जाती है, और जब आपको वो नहीं मिलती है ना तो आप तड़पते हो, लाइक एक अजीब सी बेचैनी होती है, पागलपन होता है, दूसरों को सुनाने लग जाते हो, मतलब फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हो, दूसरों को सुनाना डांटना चिल्लाना ये सब चीज़ें करने लग जाते हैं, तो इसकी जो आदत होती है ना बहुत गंदी होती है, तो इसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद होता है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, और डिफाइन करना है हमें इंट्रोवर्टेड यू
वाला जो आपका डायग्राम है उसकी हेल्प से आपको ये डिफाइन करना है कि परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी का आपका स्ट्रेस से क्या रिलेट करता है। तो सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी है वो आपके स्ट्रेस की वजह से क्या असर होता है, उसका डाउन होता है, ऊपर जाता है, क्या होता है। तो देखो, अब स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की वजह से तो हमें पता है कि स्ट्रेस अगर फील कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन ही होने वाली है, ऊपर तो होने वाली है नहीं। लेकिन ऊपर भी हो सकती है, बट अगर आप उसको लिमिट में लेते हो, क्योंकि आपकी भी एक लिमिट होती है, हर एक चीज़ की लिमिट होती है। अगर उससे ज़्यादा ले लेते हो तो वो आपको डाउन ही लेके आएगी, कभी भी ऊपर नहीं लेके जाएगी। तो स्ट्रेस का है ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस पे एंड परफॉर्मेंस पे, क्योंकि उसका अगर आप शॉर्ट टर्म पे ले रहे हो तो वो आपका ठीक है, वो आपको ना मीडियम ही रखेगी। लेकिन जब आप उसको बहुत ऊपर तक ले जाते हो ना, तो आपका जो फोकस होता है, आपकी मेमोरी होती है, मतलब सोचने का, याद करने की जो मेमोरी होती है, अटेंशन हो गया, ये सब के ऊपर असर पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या है ना कि हम चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, जजमेंट नहीं दे पाते हैं, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं अच्छे से, जो हमारे सोचने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, डिसीजंस लेने की प्रॉब्लम ख़त्म, मतलब सोचने की डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, प्रॉब्लम फेस करने लग जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी परफॉर्मेंस हमारी सारी चीज़ें बेकार हो जाती है अगर हम स्ट्रेस में रह के ये सारी चीज़ें करते हैं। स्ट्रेस का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा पड़ता ही पड़ता है, जैसे कि प्लान्स करने में, रीजनिंग करने में, मैनेजमेंट करने में, लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ये सारे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हमारे स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम के उससे हम प्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ आपका परफॉर्मेंस और नीचे स्ट्रेस, जैसे जैसे आपका स्ट्रेस भी लाइक लो होता है फिर वो इंक्रीज़ की तरफ जाता है और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है, तो आपका जो स्ट्रेस होता है वो और परफॉर्मेंस दोनों साथ में जा रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। पर एट द पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर आपका स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर क्या होता है कि जो आपका परफॉर्मेंस है ना वो नीचे आ जाती है और आपका जो स्ट्रेस है ना वो हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे जैसे आप अपने स्ट्रेस को अनलिमिटेड तक लेके जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस तो नीचे डाउन आएगी ही आएगी, जो स्ट्रेस आपको पागल कर देता है। स्ट्रेस हमारा एक बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रेस हमें एक लिमिट तक ही लेना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हो तो उसको इतना ही स्ट्रेस को लेके जाओ कि बस वो काम हमारा हो जाए अच्छे से, उसको ओवर मत लेके जाओ। उससे आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी ख़राब होती है, आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है, आप परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन, फोकस कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाते हैं। ओके, इसको आप है ना सारा डिफाइन जैसे हमने करा था स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी, हम वो अपने फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं दे पाते अपने सब्जेक्ट्स पे। एम्प्लॉय का क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म तक आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम नहीं कर पाते हो, आपका जो टास्क होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में, वर्क लाइफ एंड साथ के साथ आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है ना उसमें भी हमें ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम है ना कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो हमारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि शॉर्ट नोट्स भी आपके पूछे ही जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट का आएगा ही आएगा, जिसमें आपको दो क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सबसे पहला डिप्रेशन, अब डिप्रेशन का तो हमें पता ही है कि अब जो भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें हमें जो हमें चाहिए होती है या जो हम अचीव करना चाहते हैं अगर हम वो नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से हमें ना उस डिप्रेशन फील होता है, क्योंकि उसकी क्या होता है ना कि उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं जब वो हम अचीव नहीं कर पाते या हमारे कैपेबल नहीं हो पाते उस चीज़ के लिए, तो उसको ना हमारे माइंड में वो चीज़ें चलती रहती है, तो उसकी वजह से हमें ना उस चीज़ को भूल जाते हैं, या मतलब भूल नहीं जाते हैं उसको ना, मतलब हमारे माइंड में ऐसे फिट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से फिर वो ना हमारे माइंड में घूमती रहती है वो बातें कि कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, और आप किसी से बात नहीं करते हो तो वो ना फील करते हो।
तो उसके वजह से फिर है ना उसका असर हमारी ना फैमिली पे भी पड़ता है, सोशल लाइफ पे भी पड़ता है, क्योंकि आप है ना सबसे अलग हो जाते हो फिर उस टाइम पे, और वो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि अकेला होने के बाद ना आपके माइंड में ना बहुत अजीब अजीब थॉट्स आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं। जो ये चीज़ फील कर सकता है ना सिर्फ वो ही इसको रिलेट कर सकता है। तो उसको कम करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, आपको वो करनी चाहिए, ब्रेन एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, आप अगर आपसे नहीं होता किसी साइकोथेरेपी आप यूज़ कर सकते हो, इमोशन फोकस थेरेपी आप यूज़ कर सकते हो, एक्सरसाइज मेडिटेशन ये सारे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है सेकेंड क्वेश्चन कि साइकोमेटिक इलनेस के बारे में आपको बताना है। साइको मीन्स होता है कि माइंड और सोमा मीन्स होता है हमारा बॉडी। तो इसका क्या है, साइकोमेटिक इलनेस हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट की वजह से हो सकता है, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस से हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है और बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है। साइकोमेटिक इलनेस का इम्पैक्ट हमारे डेली के लाइफ के फंक्शंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एक इंसान की कम हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जब एक व्यक्ति जब ये फील करता है ना तो उसके क्या होता है कि उसकी जो एनर्जी हो जाती है ना वो कम हो जाती है। आपकी बॉडी और माइंड अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ पे, आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं है तो काम ही कैसे कर पाओगे, तो आपकी एनर्जी कम हो गई तो आपके काम कैसे कर पाओगे, आप घर से बाहर निकल पाओगे काम पे जाने के लिए या स्कूल में जाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, जा सकते हो लाइब्रेरी जा सकते हो पढ़ने के लिए नहीं, हेडेक होना जा सकते हो, हेडेक में तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो क्या करे, पढ़ने की तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ये सारी साइकोमेटिक इलनेस की वजह से हमारी ये प्रॉब्लम्स होती है, कई बार ये पर्सनैलिटी वजह से भी हो सकती है, एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस से भी हो जाता है, और कई बार कुछ ऐसे होते हैं जो जेनेटिक होती हैं उसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम आप फेस करते हो। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट मैट्रेस, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ का, अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो। टाइम मैनेजमेंट मैट्रेस में चार क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ना कि इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट पॉइंट आता है, तो इसमें क्या है ना कि इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि आपका इम्पॉर्टेंट टास्क और अर्जेंट टास्क क्या है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका होता है कि इम्पॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, ये होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका नॉट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है बट वो फिर भी अर्जेंट है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वाड्रेंट में होता है हमारा ना ही वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना ही वो हमारे लिए अर्जेंट है, और जो ये लास्ट वाला जो क्वाड्रेंट है ना ये सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, आप खुद भी रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी जो तीन है वो बहुत कम लोग, आई गेस 2 या 3% लोग ही यूज़ कर सकते हैं इस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट को। लेकिन जो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है जो ना ही इम्पॉर्टेंट होता है ना ही कोई अर्जेंट होता है, फिर भी उसको लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट को यूज़ नहीं करते हैं, सीधा सिर्फ इस वाले क्वाड्रेंट को यूज़ करते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस। हमारे ना कुछ मॉडरेटर्स होते हैं स्ट्रेस के जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्ट्रेस और क्रॉसपॉन्डिंग रिएक्शंस के। सबसे पहले आता है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का ये है कि जो हम फिजिकल एंड साइकोलॉजिकली वेलबींग हमारा अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, चूँकि अब जब कोई भी मतलब स्ट्रेस या कुछ भी होता है तो उसको हमें किस तरीके से उस खुद के आपके एक्शंस को, जैसे इवेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को या ऐसे लोगों को किस तरीके से आपको कंट्रोल में करना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। हार्डनेस का क्या है ना, हार्डनेस हमारा डिनोट करता है चैलेंजेस को। कई बार ऐसा होता है कि हमें ना कुछ ऐसे कमिटमेंट या फिर ऐसे हम चूज करते हैं कि जिसमें हमें ना कोई भी स्ट्रेस होता है तो उसको डील करने के लिए हमें ना एक बेटर पोजीशन पे होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक प्रॉब्लम आती है कि आपको 2 दिन के अंदर आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके देना है, तो आपके अंदर वो कमिटमेंट होना चाहिए कि मुझे 2 दिन में वो काम करना ही करना है,
क्योंकि जब आप जब तक आप खुद से कमिटमेंट नहीं दोगे, आप खुद से एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो आप है ना वो काम कर ही नहीं पाओगे। दो दिन में असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। 24 hours होते हैं एक दिन में, तो 48 hours में आप है ना असाइनमेंट आराम से कंप्लीट कर सकते हो। बट आपको उसके लिए बेटर पोजिशन में होना चाहिए, अपने स्ट्रेस को हटा के उसको कम करके उसको सोचना ही नहीं है कि दो दिन में, पर सोचो 3 दिन है और उसको फटाक से निपटा दो। तो वो आपके अंदर होना चाहिए, हार्डनेस को कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोशल सपोर्ट सबसे ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है। ये चीज़ मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कमेंट्स, जब लोग आप सब हमें कमेंट करते हैं कि आप सबको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, हमारे क्वेश्चन आंसर्स की वजह से आपको समझने में हमारी आपको हेल्प हुई है, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है एंड हम और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं, और हम और ज़्यादा वीडियोस और ज़्यादा चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना वो सब करने लग जाते हैं। तो सोशल सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्ट्रेस को या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, ओके। ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म भी होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिमिज्म आपका रिलेट करता है रिसाइलेंस को, चूँकि वो हमारे हेल्प करता है कि कैसे हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अपने बोनस बनाना है, ठीक है। पेसिमिटिव हमारा स्ट्रेस को इफ़ेक्ट होता ही होता है, तो उसको हटा के हमें किस तरीके से साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली डिसऑर्डर्स को अवॉइड करना है, चूँकि स्ट्रेस बढ़ेगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो आएंगे आएंगे, तो उनको डेवलप नहीं करना है और उनकी हटा के एक पॉजिटिविटी लेके आनी है, ठीक है। जेंडर एंड कल्चर भी हमारा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ये हमें पता है, क्योंकि जेंडर और कल्चर हमारा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जेंडर का हमारा क्या है ना कि हम लोगों को जेंडर के उससे ना लोगों को डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करनी पड़ते हैं ना वो सिर्फ वही लोग जानते हैं। और कल्चर के भी ऐसा होता है कि कल्चर का भी उनके बिलीव्स होने, उनके एटीट्यूड्स, मतलब वो सब है ना लोगों के जो मेंटेलिटी हो जा फिट्स हो जाती है ना, उसकी वजह से सामने वाले बच्चों को या फिर जो भी है कोई भी है उनको बहुत सारे स्ट्रेस वगैरह फील होने लग जाते हैं। तो उनका इम्पैक्ट है ना उनकी डेली की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, तो उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है ये वो सिर्फ ही जान सकते हैं, चूँकि उनकी पर्सनैलिटी एक कुछ लोगों का होता है कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो वो उनकी पर्सनैलिटी होती है ऐसी। तो जेंडर एंड कल्चर का भी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पे स्ट्रेस के रिलेट में अगर हम बात करें, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं बाहर। फिर आता है हमारा कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स। अब इस वाले में क्या है ना कि हमें कैसे अपना जो स्ट्रक्चर है वो रिस्ट्रक्चर कैसे करना है, तो इसमें हमारी ABCD टेक्निक होती है जो एल्बर्ट एल्स ने बताई थी। तो ABCD टेक्निक क्या है ना कि इसमें कोई भी इवेंट या सिचुएशन है जो एक्टिवेट होती है, फिर उसके कुछ बिलीव्स आते हैं जिसमें हमारे रेशनल इरेशनल थॉट्स आते हैं, फिर उसका जो दोनों के जो थॉट्स है ना उसका एक रिजल्ट बाहर आता है। उसमें क्या होता है कि दोनों के में से एक तो पॉजिटिव आ जाता है और एक नेगेटिव आ जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो जो पॉजिटिव आया है वो तो हमारे रिएक्शंस आके हो गया, ठीक है, बट जब नेगेटिव आता है तो उसकी वजह से बहुत सारे चीज़ें बाहर निकल जाते हैं, इमोशनली बिहेवियर बहुत सारे रिएक्शंस बाहर आते हैं, एंड उसकी वजह से फिर सामने वाले के ऊपर या फिर उसके खुद के ऊपर ना बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बोल सकते हो। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होता है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, वो इफ़ेक्ट आपका बाहर निकल के आता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है कि आपको जो रेशनलाइज है वो आपको ना, ये होता है कि आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो ये तो होता नहीं है कि मिस्टेक करने के बाद आपकी लाइफ ही दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता है एग्ज़ाम में तो ये तो है नहीं कि आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, अगर इसमें नहीं हुआ तो दिसंबर में फिर एग्ज़ाम दे लेना। बट ये है कि उससे आपको सीखना चाहिए, ये नहीं है कि अगर आपने एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आपने सोचा छोड़ो ना कोई नहीं नेक्स्ट में दे दूँगा, आपने उससे कुछ सीखा नहीं, आपको टाइम नहीं मिला
या आपने खुद से टाइम नहीं निकाला, या आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले अपने स्टडी नहीं की, तो वो आपकी गलती थी ना, तो उसको सही करना है नेक्स्ट एग्ज़ाम में। उससे आपने सीख लिया तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, टाइम से स्टडी स्टार्ट करोगे, अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर्स करोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे, मतलब कुछ ना कुछ करोगे, तो वो अपने एफर्ट्स डाले एंड आप पास हो गए। तो वो होता है कि मिस्टेक होने के बाद आपने सीख लिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मिस्टेक होने के बाद भी नहीं सीखते हैं, तो वो चीज़ गलत होती है। बट आपने कुछ सीख लिया तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपके लिए लिखा है, एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इस बुक को हमने पूरा चैप्टर वाइज हमने सेपरेट वीडियोस बना रखी है, उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, एंड पीडीएफ भी, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। आपको क्वेरी ग्रुप में मैसेज करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके बता सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।